हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, ये एक रिक्वेस्ट का वीडियो है और जैसे कि इसमें हम आज बताएंगे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से हम एक ब्लाउज को परफेक्शन दे। ठीक है, तो क्या क्या कुछ करना पड़ता है इस परफेक्शन के लिए, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो देखकर सभी का भी मैंने सोचा है, चलो ये तो अच्छा है ये आइडिया, तो चलो सभी में भी सब सबका ही ये काम आएगा किस तरीके से हम एक ब्लाउज पे एकदम परफेक्शन दे दे। तो मानिए फ्रेंड, आपके दुकान में कुछ जो लोग हैं, जो कस्टमर है आया है, ब्लाउज ऑर्डर दिया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड, जो हमारा सीक्रेट मेजरमेंट जो मैंने दिया है, जो लड़का लोग जो जेंट्स है वो लेडीज का जो मेजरमेंट लेते हैं, तो जितना कोशिश करें आप जो मेज़रमेंट लेडीज़ लोग लेडीज़ का मेज़रमेंट ले, आपका अगर दुकान हो तो जो मेज़रमेंट आपका लेना संभव नहीं है तो आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ठीक है, मगर जितना वो सीक्रेट टेक्निक को आप लोग यूज़ करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। इसीलिए मैंने वो वीडियो उसमें डाला है जो बहुत अलग अलग सीक्रेट मैंने दिया है। मगर फ्रेंड, मैंने एक बात आप लोगों को मैंने बता दूं फ्रेंड, आप लोग नेगेटिव तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने आप लोग को सिखाने की कोशिश किया था, मगर उसी तरह जो जेंट्स है वो लेडीज का मेजरमेंट आप लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत मुश्किलें आ सकता है, मगर आप लोगों को सीखने के लिए जो जो मैंने आप लोगों को बोला था, मगर लेडीज लेडीज का मेजरमेंट लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट है, आप लोग जो कस्टमर आएंगे तो उसका बॉडी से जो एकदम परफेक्शन जो मेजरमेंट है उसे आप फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पैटर्न कट लीजिए, पैटर्न आप अच्छे तरीके से कट कर लिया है, उसके बाद जो पैटर्न आपने कट की उस पैटर्न को आप शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग का मतलब है जो सीक्रेट मेजरमेंट आपने ली उसके साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक करिए। बहुत लोग हैं वो ये काम नहीं करते हैं, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड, हमने जो मेजरमेंट कस्टमर के लिए, यानी कि मानिए जैसे कि हाई वास, मानिए नॉर्मल वास, मानिए जैसे कि कॉलर वगैरह ये सब है, तो जिस जगह का मेजरमेंट अफ्टर स्टिच यानी कि सीम्स छोड़ के जो मेजरमेंट आना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं वो देखिए। उसके बाद अब पैटर्न को कट कर लीजिए। कट करने के बाद फ्रेंड, स्लीव लगाने से पहले फिर से सुनिए फ्रेंड, स्लीव लगाने से पहले आपका पूरा ब्लाउज तैयार हो गया है। स्लीव लगाने से पहले आप लोगों को क्या करना है, फिर से जो कस्टमर की जो मेजरमेंट है वो ही लाना है। इस बात को आप गौर से सुनिएगा फ्रेंड, बहुत लोग गलतियां करते हैं इस जगह में, उन लोगों को पता नहीं है जो बॉडी से जो मेजरमेंट लिया है वो लोग बना देते हैं मगर फाइनल चेक नहीं करते। वो ही जगह है जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो स्लीव लगाने से पहले आप हाई वास्ट, नॉर्मल वास्ट, लोअर वास्ट, वेस्ट, आर्म होल, बाटी का मेजरमेंट, पॉटल का मेजरमेंट, नेक का मेजरमेंट, डेप्थ का मेजरमेंट, शोल्डर ना गिरे उसकी मेजरमेंट सारे एक बार फाइनली चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये तरीका मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इतने, इसलिए फ्रेंड एकदम परफेक्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो नेक ना गिरता है उसलिए मैंने तीनों पॉइंट मैंने बताया, वो वीडियो देख लीजिए, वो तरीका देखिए, तो सारे कुछ उसमें देखिए। स्लीव लगाने से पहले आप लोग डिजाइन करें, कुछ भी करें, अगर फिटिंग से अगर ना हो तो वो तैयार करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसलिए सब जो होता है जो सब कुछ आप वो जगह में चेक कर लीजिए, उसके बाद आप स्लीव लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप कस्टमर को डिलीवरी देने से पहले थोड़ा सा उसे आप क्लीन करिए, वो जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ उसके धागा वगैरह ये सब रहता है वो आप क्लीन करिए, उसके बाद डिलीवरी दे दीजिए। और एक बात मैं बता दूं फ्रेंड, आपके पास अगर कोई ऑर्डर आया है तो मानिए आज 1 तारीख है, जो 1 तारीख है, वो कस्टमर आपके पास अगर आफ्टर 3 मंथ आके वो डिलीवरी ले लेता है, वो मेजरमेंट का कोई गारंटी आप लोग नहीं देंगे क्योंकि उसका फिगर ही चेंज हो जाता है 3 मंथ में। कोई भी डिलीवरी हो तो आप 15 डेज के अंदर आप देने की कोशिश करेंगे तो उसमें जो फिगर का जो मेजरमेंट है वो सही रहता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ये ध्यान में रहे। और नहीं तो क्या है, खामों का आपको परेशानी होगा, वो आके आप लोगों को बोलेगा ये चलो हमारा ये तो सही नहीं हुआ है, ये तो सही नहीं हुआ है, ये इसी तरह मुश्किल आ सकती है। तो इसलिए 15 डेज में डिलीवरी देने का मैक्सिमम 1 मंथ। ठीक है,
वो अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ यानी कि आप अगर डेवलप करना चाहते हैं इसके लिए मैंने ये तरीका बताया हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने जो जो बता रहा हूँ, मैंने आप लोग अगर 10% यूज़ करेंगे, 20% यूज़ करेंगे, मगर क्या होगा, असली जो सीखने का जो जगह होता है वो होए आप लोग जब दुकान में कुछ ड्रेस वगैरह तैयार करेंगे, आपका अगर कुछ फॉल्ट हो वो ही आप सीखेंगे, उस वक्त ही आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो मानिए जैसे कि आप जो जो ब्लाउज दे रहा है, डिलीवरी दे रहा है, तो हर एक प्रॉब्लम के ऊपर आप वॉच कीजिए, उसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो क्या रिजल्ट आ रहा है वहाँ से। यानी कि मानिए आप ब्लाउज तैयार कर रहा है, तो उस जगह में आपको बास्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बास्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सी जगह में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप क्लियर करते आगे बढ़िए। उसके बाद जैसे कि वो बास्ट का दोबारा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा फिर, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप बटन कट करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, वो रेक्टिफाई करके जाएगा, करेंगे वो रेक्टिफाई होके जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपका जो प्रॉब्लम आया है वो बास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आया है। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम आएगा तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद मानिए आप कुछ तैयार कर रहे हैं, तो एक इस जगह में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस जगह में क्या प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा जैसे कि कपड़ा उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये सब प्रॉब्लम को आप लोग फॉलो करनी है। छोटा मोटा प्रॉब्लम ये सब होता है, जो कुछ भी करते हैं आप लोगों को कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है, ऐसा होता है काम करने के लिए, ऐसा होता है, मगर वो जो प्रॉब्लम है वो बड़ा ना हो, क्योंकि हमारा चैनल जो लोग फॉलो करते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके पास, जो सलूशन नहीं होगा आप खुद ही कर पाएंगे। फिर भी इससे जो जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है सारे प्रॉब्लम का सलूशन मैंने बता दिया है, और भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो जैसे ही आए तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज हमें भेज दीजिए, हम सॉल्व आउट करके हमारा चैनल में हम दे देंगे। तो इसी तरह करते जाइए, आप एकदम परफेक्शन बन जाएंगे। ठीक है, आगे जब देखेंगे आपका इतना नॉलेज ग्रो करेंगे, आपका कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आराम से कर सकते, क्योंकि जितना प्रॉब्लम होता था, हो सकता है, हो चुका है, आप धीरे धीरे जैसे कि रेक्टिफाई करके पैटर्न में आप डेवलप कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम गायब। तो इसी तरह करिए, और कुछ भी नहीं बोलना है, जो रिक्वेस्ट उन्होंने किया था शायद मैंने पूरा क्लियर करते गया हूँ इस वीडियो में। और फ्रेंड वीडियो अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना सही था, बाय बाय, टेक का शुभ रहते हैं।